हेलो गाइस, व्हाट इज अप। मैं हूं अंशु बेस्ट एंड वेलकम बैक टू द माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। बिल्कुल सही गाइस, सर्वाइवल सीरीज में आप सबका स्वागत है। मुझे पता है थोड़ा टाइम हो गया और मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, पर तुमको पता होगा यार, अगर तुम मेरे मेन चैनल को फॉलो करोगे तुम्हें पता होगा मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, मैं क्यों कर रहा था, मैं कैसे कर रहा था। मैं भाई बहुत ज्यादा सांस फूल गई मेरी यार, थोड़ी सी तुम लोगों को दिख रहा होगा मेरे थोड़ा जुकाम काम जैसी चीज़ हो रही है, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन आज क्या होने वाला है फ्लीट, तो लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा हमने बनाया था एक प्यारा सा आयरन फार्म वॉइस, और वो आयरन फार्म बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और मुझे बहुत सारा आयरन भी मिल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आयरन का यूज ऐसे किया जाए कि तुम्हें बताऊंगा अभी मैं। तो अभी आज जो हम लोग मेन चीज करने वाले गाइस वो है हम लोग डायमंड्स इकट्ठा करने वाले, क्योंकि हमको चाहिए एक फुल डायमंड आर्मर, और आज हम बनाने वाले हैं खतरनाक नेदर पोर्टल भी गाइस। तो मजा आने वाला है आज बहुत ज्यादा। आज का लाइक गोल मैं रखूंगा सिंपल आप लोगों के लिए, 15,000 लाइक का गोल है। हा? तो जल्दी से लाइक मार दो और जो भी नया जल्दी सब्सक्राइब कर दो गाइस, 80K होने वाले, तो जल्दी से 80K करते हैं। उसके बाद तुमको पता है यार 100K करने मेरा मन तो था कि बर्थडे तक, लेकिन फिर मैं खुद अपलोड नहीं कर पाया रेगुलर, अगर अपलोड रेगुलर होते तो क्या पता हो जाता, बट ठीक है अब जल्दी जल्दी 100K करने, क्या पता यार यहां का सिल्वर प्ले बटन वहां के सिल्वर प्ले बटन से जल्दी आ जाए। तो जो भी नया जल्दी सब्सक्राइब करो और चलते हैं वीडियो की तरफ को। ओके तो गाइस वेलकम बैक हो गया आप सभी का हमारे माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल वर्ल्ड में। हाय कितना मिस किया इसको मैंने, मेरा घर। लेट्स गो। फ्री का इंटरपल मिल गया बॉयज, फ्री का इंटरपल भाई। हमको क्या देखे गए, कॉर्नफ्लावर देखे क्या? ओके ठीक है। तो यस आज हम लोगों को बनाना है फुल एक डायमंड का आर्मर और उसका एन्चांट भी करना है, बट उससे पहले मुझे तुम्हें एक मस्जिद दिखानी थी जो कि तुम्हें पता होगा कि क्या मस्जिद करो। वाओ चलो, अरे माऊ आई है। अरे अरे मेरे पास इसी के लिए तो पड़ा था, मेरे पास यार बहुत सारा रॉ फिश पड़ा हुआ है यार, एक से तो मानती नहीं है, तीन तो कम से कम खिलाने पड़ते हैं। मेरे को लग रहा है कि मेरे को फिशिंग जाना पड़ेगा। बस ये बिल्ली तब तक यहीं पर रहे, ठीक है। ये मेरे ख्याल से उनके लिए आई हुई है, क्या नाम है अपने विलेजर्स की वजह से, ठीक है। रुको एक खिला के देखते, ठीक है। माऊ भाग क्यों रही है? खिला दिया लेकिन ये तो भाग रही है। अबे यार गाइस हमको जल्दी से और मछलियां पकड़ के लेके आनी पड़ेगी। मेरी फिशिंग रॉड का है ये रही। चलो ठीक है, तो फटफट करके कम से कम दो और मछलियां पकड़ते हैं। मेरे ख्याल से दो मछली में टेम हो जानी चाहिए, ठीक है। मेरे गन्नों के खेत के बीच से मैं मछली पकड़ने वाला हूँ गाइस। अरे यार तुम यार ये कर लो है गन्ने। चलो गाइस बस वो भागे ना यार, तब तक कब आई मैं, जब तक मछली पकड़ू तब तक भागे ना यार। ओके एक आई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक और। चलो गाइस मेरे पास दो मछलियां हो गई हैं, अब बस उसको पकड़ के हमको कैसे भी खिलानी है मछलियां गाइस। वो है का माऊ। और मेरी मछली खा के भागी हो तो मत ही देख, मैं साफ बता रहा हूं मेरी एक मछली खाली है, और अगर तू वो मछली खा के भागी है। लेट्स गो माऊ पाल ली बॉय, आजा मेरी माऊ तुझे ले चलूं, आजा मेरी माऊ आ गई। चलो भाइयों अपना पहला पेट कैट आ चुका है भाई, अब हमको चाहिए थोड़े से वुल्फ और बहुत सारी चीजें भाई। मजा आ गया यार, अपना पहला पेट कैट आ गया, अब हमको क्रीपर से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो इसको कहाँ बैठा हुआ, आ जा यहाँ पे बैठियो, घर की रखवाली करियो, ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब यार हमको बस इसके लिए यार कॉन्स्टेंटली मछलियाँ पकड़ते रहनी पड़ेंगी यार, वरना ये बेचारी यार थक जाएगी यार, ठीक है। तो हमको इसके लिए कॉन्स्टेंटली मछलियाँ पकड़नी पड़ेगी अब। लेकिन अब हमारे पास है एक पेट माऊ गाइस, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ इसका नाम हम लोग क्या रखें। मेरे हिसाब से इसका नाम हम लोग माऊ रख सकते हैं, लेकिन तुम लोग बताना मतलब कमेंट में कि तुम लोगों के हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए। ओके जो बेस्ट नाम होगा उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट्स में। तो अगर आपका अगर मेरे को नाम अच्छा लगा तो, अगर पता चला माऊ इज द बेस्ट तो फिर माऊ इज द बेस्ट लेकिन अगर तुम्हारा नाम ज्यादा बेटर हुआ तो मैं तुम्हारा नाम कमेंट में पिन कर दूंगा। ओके तो चलो अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है, बिफोर वी गो टू जो हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि है यस बॉस, आज हमको जाके कैसे भी
एक फुल डायमंड आर्मर पहनना है दोस्तों। फुल डायमंड आर्मर में वाट तो लगी क्योंकि हमारे पास ना फॉर्चून है ना कुछ है। तो देखो मैंने लास्ट टाइम तुमको याद होगा अगर, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है फोकट का आदमी, यहाँ पे है लैपटॉप नहीं है क्या इसके लिए? दो दो हैं यार। अच्छा ओके यार, हमने यहाँ पे बेड छोड़ दिए थे यार लास्ट टाइम, वहाँ ले जाके बेड यहाँ पे छोड़ दिए थे, बेड तोड़ देने थे मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज हम लोग काम करने वाले गाइस वो होगा कि देखो तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने लाइब्रेरियंस तो बहुत सारे बना लिए थे, लेकिन लाइज तो गाइस, लेकिन अब हम लोग ला चुके हैं सामने टूल्समिथ और आर्मरर्स। ठीक है, जो कि हमारा आयरन लेके हमको देंगे थोड़ा सा पैसा, तो चलो वहां से लेके आते हैं आयरन और इनसे निकालते हैं कैसे भी ढेर सारा एमरल्ड। मेरे पास एक एंडरपोल पड़ा है, इसको जेब में रख लेता हूँ यार। हमको एंडरपोल से भी बहुत संभाल के चलने हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है ना तुमको आगे जाके यार एक क्या कहते हैं नेदर मतलब एंड पोर्टल ढूंढना है, फिर उसमें लगाने हैं, बहुत सारा काम है यार। बाय गॉड नन्नी सी जान थक जाती है यार। लेट्स गो, चलो बॉयज दी चलते, आयरन ही आयरन होगा दोस्तों। ओके, तो देखते हैं गाइस कितना आयरन है। ओ माय गॉड, स्टैक के स्टैक आयरन है भाई। अरे यार ये यार यहाँ पर यार गाइस नीचे देखो ये दिख रहा है साफ साफ। यार मेरे को ना एक वो बनाना है गाइस, यहाँ पे मेरे पास वुड है, वुड नहीं है, मेरे को यहाँ पर एक रखना पड़ेगा ताकि मैं आयरन के ब्लॉक्स बना के यहाँ से ले जा सकूँ। यार देख लो कितना आयरन यहाँ पे छूट रहा है, मेरे को सबका सब ट्रेड करना है गाइस, सबका सब। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ अभी के लिए, व्हाट आई विल डू इज़ मैं इस वाले चेस्ट में अपना सारा का सारा स्टोन और ये, अरे यार मैं गधा हूँ ना, वो नीचे वाले चेस्ट में तो आ जाएगा घुमा के। नेक्स्ट लेवल ज्ञान भाई। ठीक है, तो मैंने अपना सारा का सारा जो ऐसा आलतू फालतू सामान था थोड़ा यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है ओके, तो गाइस जितना भी हमारे पास ये आयरन पड़ा है ना, अब हम जाके इसको ट्रेड करते हैं, देखते हैं हमें कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, ओ नो गाइस, दिन होते होते यार तुम लोग देख रहे हो भाई को भूख लग गई बहुत ज़्यादा और पेट पे दर्द हो रहा है गाइस। लेकिन मुझे बताओ हम लोग गेमर फ्लीट का वर्ल्ड है तो हम लोग क्या खाते हैं बॉयज, मेरे को बताओ यार। ठीक है, मेरे को बताओ हम लोग क्या खाते हैं बॉयज, चलो चलते हैं और गाइस खाने का प्रबंध करते हैं थोड़ा। चलो तुमको पता है यार, हम लोग सिर्फ और सिर्फ शुद्ध शुद्ध देसी गाय का दूध और ढेर सारी ब्रेड। तो जब तक आपका पेट ना भरे गाइस, रूखी सूखी ब्रेड खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, और जहां से पेट भर गया ओ माय गॉड आई एम फुल बॉयज। एक मिनट, मेरा दूध नहीं दिया गाय ने मेरे को, ओके। और उसके बाद पियो गाय का गाढ़ा गाढ़ा दूध ताकि सारा का सारा जितना भी तुम्हारे गले में सूखापन है वो सारा हट जाए। देख रहे हो गाइस, वैद्य हूं मैं। ओके तो गाइस देखो यार, इनके पास लाइट कम नहीं लग रही तुमको, सा नहीं लग रहा तुमको? ये लो, अब नहीं लग रहा। चलो अब गाइस देखते हैं किस किस के पास है। मैंने देखो सबसे इजी होता है टूल्समिथ को लेवल अप करना। आपको सिर्फ और सिर्फ टूल्समिथ को लेवल करने के लिए कितने चाहिए होंगे? मुश्किल से 10 एमरल्ड चाहिए, क्योंकि ये लोग एक एमरल्ड का लिटरली एक स्टोन शवल देते हैं। मैंने क्या, मैंने जितना हमारे पास वो क्या कहते हैं शुगर केन पड़ा, मैंने शुगर केन को काटा वहां से बनाया, पेपर पेपर को दिया इनको और इनने दिया एमरल्ड, और आराम से भाई मैंने चार टूल्समिथ को अपने मस्त करके ऐसा बना दिया ना जो हमको दबा के आयरन के बदले में देंगे ये क्या कहते हैं अपने एमरल्ड्स। ठीक है, ये देखो अब जिन जिन के पास हम जाएंगे आयरन लेके वो हमको दिखाएंगे कि ले लो साहब ऐसे करके। ठीक है, ये ले लिया हमने इससे, और इसके पास भी है ढेर सारा तो इससे भी ले लेंगे। ठीक है, तो अपने पास भाई एमरल्ड्स की कमी नहीं होने वाली। ठीक है, तो रुको तो हम लोग लेंगे बहुत सारी एनचांटेड बुक्स, अगर बाय चांस हम लोग नहीं कर पाए तो ये दे रहा है देखो। ठीक है, तो अपना आयरन बहुत सारा बच गया। मैं क्या सोच रहा हूँ पता, यहाँ पर एक चेस्ट बनाने की जिसमें हम जितना ही बचा हुआ आयरन होगा यहाँ रख देंगे ताकि हम लोग भूल ना जाएं। ठीक है, कि क्या कहते हैं उसे मतलब आयरन कहाँ, मतलब बार बार आयरन लाने ले जाने वाला ना हो। और ये देखो भाई ये कितना अच्छा काम कर रही है, देखो इसकी वजह से खिलाता हूँ, हाँ रुक जा भी मछली खिलाता हूँ अब तो, ये शायद से कुकड भी खा नहीं, कुक नहीं खाती। ठीक है चलो, तो एक काम करते हैं पहले तो सारा का सारा आयरन जो था हमारा उसका बनाते हैं हम लोग ब्लॉक। तो गाइज अपने पास आ चुका है कम से कम नहीं भी तो एक स्टैक, और उसके बाद भी बहुत सारा आयरन का ब्लॉक। यार मजा आ गया देख के तो भाई, उफ क्या ही बताओ यार, क्या ही मस्त। एक मिनट, क्या गोल्ड इंगेट है क्या? चलो इसको भी यहाँ पे रख देते नगेट को। ठीक है, तो चलो गाइज, अरे ठीक है, तो गाइज अब देखो आज का हमारा जो मेन स्पेशल जो खतरनाक वाला गोल है गाइज, तुमको पता है यार वो क्या गोल है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले बनाने वाला हूँ, देखो अभी हमारा 34 लेवल है, तो हम लोग तीन बार एक क्या कहते हैं पिकेक्स को एन्चांट कर सकते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बनाने वाला आयरन की थोड़ी पिकेक्स, विल ट्राई कि कैसे भी फॉर्च्यून निकाले तीन पिकेक्स में। अगर बन पाया तो अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया यार, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, बट वी आर गोइंग टू ट्राई आर बेस्ट। ठीक है चलो देखते कि क्या हम लोग
क्या हम लोग निकाल पाएंगे गाइस फॉर्च्यून, रुको मेरे पास डंडिया पड़ी हुई थी, हाँ ये रही, ठीक है। तो चलो बनाएंगे हम लोग दो पिकैक्स, ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास पड़ी है और दो बनानी पड़ेंगी, ठीक है, तो एक और अरे यार दो, ठीक है, तो हमें दो पिकैक्स बना लिए हैं। अब देखो इन दो पिकैक्स को हमको तीन को हमको जाके करना है एन्चांट, अगर किस्मत रही, ठीक है, तो हम लोगों को मिल जाएगा गाइस जो हमें चाहिए था, ठीक है, अगर किस्मत रही तो। हे भगवान प्लीज़ यार एक पिकैक्स में तो फॉर्च्यून थ्री दे देना यार, भाई दे दिया ना कसम से आज का काम जो आसान होगा ना, हाय राम प्लीज़ 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 प्लीज़। अरे यार अनब्रेकिंग है, क्या पता फॉर्च्यून भी मिले, एफिशिएंसी है, चलो कोई बात नहीं, एक और बार एफिशिएंसी है, प्लीज़ प्लीज़ फॉर्च्यून प्लीज़ फॉर्च्यून, नहीं है अनब्रेकिंग दी है यार, लास्ट है यार लास्ट ट्राई 20, अरे लास्ट ट्राई, ओ फॉर्च्यून थ्री मिल रही है, फॉर्च्यून थ्री मिल रही है भाई भाई भाई, सुनो 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 सुनो, हमको जाना पड़ेगा और हमको दो लेवल लेके आने पड़ेंगे, हमको 30 लेवल करना है, ठीक है, कैसे भी एक चीज़ करते हैं, पहले तो सबसे इजी तरीका देख, ओ शिट मेरा पानी नहीं है, आ हाय राम, मैंने वाटर बकेट निकाल दी थी और मेरा आदत है कि मैं लाइक मेरा हॉटकी है मैं लास्ट वाले को आर से यूज़ करता हूँ, तो मेरी आदत है, प्लीज़ 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 प्लीज़, तुम लोगों का रीसेट हुआ, यस इनका रीसेट, ओ ये निकल गया था, एक बार भाग भाग यहाँ से भाग, चल साइड 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 साइड, मुना क्या है यार क्या है यार, ये आदमी मार खा के मानेगा नहीं भाई, डंडा निकाला मैंने वैसे भग गया हूँ, ठीक है, अब हमको जाके वापस से आयरन लेके आना है और उसके बाद भाई हमारा बूम बाम शुरू हो जाएगा यार, मजा आने वाला है गाइस, मुझे नहीं पता था यार, मुझे नहीं आइडिया था कि फॉर्च्यून थ्री लास्ट थर्ड चांस में मिल जाएगी। अब हमको क्या करना है, हमको सिर्फ से थोड़ा सा आयरन लेके जाना है, थोड़ा सा क्या सारे ले जाओ भाई, ठीक है, तो हमको जा, अरे सॉरी यार बिल्लू, ठीक है बिल्लू के ऊपर कूद गया यार मैं, तो हम लोगों का क्या करना है गाइस, हम लोगों को जाके इनको आयरन देना है और अपनी फॉर्च्यून थ्री की पिकैक्स निकाल लेनी है बॉयज, लेट्स गो, टन 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 टन, चलो ठीक है, अरे यार सारे ही बना देना, ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये था ना, नहीं और को आयरन दिखाता हूँ, खुद ही आएंगे, आयरन ले लो आयरन ले, ये रहा, अच्छा सारी सारों का ही हो गया, ठीक है, ये देखो 30 लेवल डन गाइस, इजी। अब है गाइस इम्तिहान की घड़ी, क्या वो चला गया होगा, वैसे नहीं जाएगा, मैं मजाक कर रहा था, बट गाइस राइट हियर राइट नाउ फॉर्च्यून थ्री, लेकिन 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 सुनो सुनो सुनो, एक दिक्कत हो गई है मेरी, ये ना पिकैक्स की एचपी पहले से कम है, 173 आउट ऑफ 200, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक नई पिकैक्स भी बना ही लेते हैं, क्योंकि यार फिर वो ये ना बात का झंझट क्या लेना, पहले एक काम ढंग से कर लेते हैं, क्योंकि वो अगर ना फिर वो टूटने वाली होगी, फिर आयरन निकलेगा, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा रोना हो जाता है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग थोड़ा सा ना कोल भी लेके आने वाले, मैं कोल इनसे ट्रेड करूंगा तो थोड़ा सा हमको फायदा भी होगा। ये लो भाई अनब्रेकिंग थ्री और फॉर्च्यून थ्री, भाई बेस्ट चीज़ें मिल गई, वापस रख देते अपना लैपिन लजूला और जाके सो जाते हैं गाइस, क्योंकि कल सुबह होने वाली है बहुत ही एपिक, हम लोगों को करना है गाइस काम। एमरल्ड के ब्लॉक बना देता हूँ यार, एक काम करता हूँ ना एमरल्ड के ब्लॉक, यार आए हाय इतनी अमीरी होगी सोचा नहीं था कभी। ओके तो गाइस हो चुकी है अगली सुबह और मैं हूँ गधा, पता है क्यों, अभी मेरे को अभी अभी एक चीज़ दिखी है, मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ यार, मैंने एक नई पिकैक्स क्यों बनाई थी, हैफली तूने नई पिकैक्स क्यों बनाई थी बताना मुझे एक बार, ये देखो जरा वही टूटी हुई पिकैक्स में लगा दिया मैंने, मैंने नई पिकैक्स बनाई ही क्यों, मैं तो पूछ रहा हूँ, अगर मुझे यही करना था तो मैंने नई पिकैक्स बनाई ही क्यों। तो माऊ माऊ तेरे को मैं यही छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है गाइज, आज हम लोगों को जाना पड़ेगा उस रस्ते से जिस रस्ते से हम बहुत टाइम से निकले, लेकिन उससे पहले गाइज एक बार शुभ लक कर लेते हैं, मतलब समझ लो ना गुड लक, तो चलो भाई अपना गुड लक है क्या भाई, ढेर सारी ब्रेड और गाय का गाढ़ा गाढ़ा, चलो ठीक है तो चलते हैं ये पी के, हमारे पास वाटर वाटर सब पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा बकेट अपने साथ रखने वाला हूँ, बाकी का मैं सारा का सारा जितना भी मेरा सामान, जैसे कि ये मुझे नहीं चाहिए, तो चलो फटाफट से एक बार ना फार्मिंग कर लेते हैं और जितना हमारे पास ब्रेड हो सकता है उतना ब्रेड लेके चलते, चलो चलो ठीक है, तो अपनी फार्मिंग हो गई है एकदम सही। और यार यहाँ पर एक यार मैं यहाँ पर वो करना भूल गया था, मैंने एक बार गलती से कूद गया था, ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पर वापस से उगा देते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने काम पे बॉयस, यार कुछ काम धंधा करना है नहीं करना है। ओके तो गाइस अब अपना हो चुका है मस्त करके तैयार, अब तुम्हें पता है यार बच्चे हुए हम लोग इनसे क्या करते हैं, हम लोग सारे के सारे सीड्स को डाल देते हैं अपने प्यारे प्यारे जगह पे, ये देखो यार ये देख लो मस्त बोन मील आ रहा है बॉयस, ठीक है तो इसको कर देते हैं बंद, ये अपना काम करते रहेगा और हम करते हैं गाइज अपना काम, इस वाले पे रखते हैं हाथ पे ये, वैसे हम लोग को एक शील्ड भी ले लेनी चाहिए थी, बट यार किसको यार, शील्ड इज फॉर नॉर्मीज गाइज, तुमको पता है ना, शील्ड रखते हैं नॉर्मी लोग यार, ठीक है, जिनको डर लगता है हर दो मिनट में वो रखते हैं शील्ड भाई, हम नहीं रखते शील्ड, ठीक है, हम हैं तगड़े लौंडे, हम नहीं रखते शील्ड वील्ड, ठीक है भैया, चलो ये करते हैं और ठीक है, जितना ब्रेड हो सका, 48 ब्रेड बहुत है भाई, चलो
अब एक काम करते यार, ये एंटरपोल भी संभालना था मैंने, रुको इनको खिला देते, ठीक है। आ जाओ गैया, आ जाओ, आ जाओ गैया, गैया आ जाओ, ये गैया, ठीक है। तो मैंने सारी गैया को खिला दिया ना, हाँ बढ़िया। चलो भाई, आज का अपना काम वाम भी हो गया है, गैया को खाना भी हो गया गाइस, ये रख देते, ये रख देते, एंटरपल भी यहीं पे रख देते, ठीक है अभी के लिए। और चलो भाई, वाटर रखते हैं अपनी जेब में और इसको रख लेते हैं यहाँ पर, एक ही बकेट ले जाते हैं अपने साथ, जगह घेरने वाली जगह बात हो गई, ठीक है। तो चलो गाइस, आज यूज होगा हमारे इस अंडर टनल का, बिल्कुल सही गाइस। अगर तुम्हें याद होगा तो यहाँ पर एक स्पाइडर स्पॉनर वो भी है, फार्म भी है, एक्सपी फार्म, तो हम वहाँ भी जा सकते हैं, बट ठीक है देखते क्या होता है। सबसे पहले आज हमको चाहिए कम से कम नहीं भी तो 25 डायमंड्स गाइस, हम लोगों को बहुत सारे डायमंड्स चाहिए, जिसके लिए हमारे पास आ चुके एक फॉर्च्यून वाली पिकेक्स का है, वो पिकेक्स अच्छा वो जेब में रखी हुई है भाई, वह यार एक मिनट। ओके तो गाइस, मैं एक चीज हल्की सी भूल गया था, जो कि था क्या कहते थोड़े ओक प्लैंक्स लाना, तो वो मैं लेके आ गया हूं, ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो। और देखो इस साइड हम लोग लास्ट टाइम गए थे और हम लोगों ने देखा था कुछ, तो क्या कहते हैं हम लोगों को वो मिल गया था, तो हमें अभी 15th लेवल पे और हम जाएंगे 11 पे नीचे, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ इस साइड से जाते हैं हम लोग, आज हम जा रहे 13 हो चुके हैं, राइट, देयर वी गो। रुको जरा इसको हम करके साफ, अरे 2 सेकंड का काम है यार। देखो गाइस, जब भी तुम्हें कहीं पे ये दिखे ना, तो मैं तो साफ बता रहा हूँ भाई, कर दो भाई, खुदाई कर दो भाई, पूरा साफ कर दो, मैं तो साफ बता रहा हूँ। ओके गाइस, तो वहां पर तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला, तो अब हम लोग जा रहे आगे को, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग चंक बॉर्डर एक काम करते हैं, ऑन कर लेते हैं, ठीक है भाई, क्या ही अंधेरा करके जा रहा हूँ मैं पीछे को, भाई लाइट लगा के जाओ यार, भाई जो डर लग रहा है मेरे को पीछे देखने में, शिट यार, बाय 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 बाय। गाइस मेरे को एक फीलिंग आ रही है कि हमको मिलने वाला है गाइस, हमको मिलने वाला है। रुको मैं आयरन आयरन नहीं उठा रहा, गोल्ड मिलेगा तो मैं उठा लूंगा, क्योंकि हमें गोल्डन एप्पल्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है आगे जाके, ठीक है। एक लास्ट बारी मैं सीधे खोद रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, हम लोग इस साइड को जाने वाले गाइस, हम लोग क्या करने वाले हैं, अब चंक बॉर्डर के बिल्कुल कोने कोने में ऐसे खोद के चलेंगे, ठीक है, 1 2 3 और उसके बाद यहाँ को चेक कर लेते हैं, यहाँ को चेक कर लेते हैं एक बारी, ओ गाइस मेरे को ना सामने से कुछ लावा की भाई वो आ रही है, खुशबू आ रही है मेरे को लावा की, एकदम ऐसे तेज तेज लावा, ऐसे बुड़ूप 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 करके, यार यहीं के पे लावा के पॉप सुनाई देते हैं। हाँ यही है गाइस, आसपास ही कहीं पे एक लावा की वे, ओ आसपास नहीं बगल में छोटी सी है यार, ये तो मजा नहीं आया यार, ये तो थ्रिल नहीं हुआ गाइस। क्या बोला था भाई ने, भाई ने क्या बोला था तुम लोगों को कि लावा के आसपास मिलते हैं यार, मजाक है क्या ब्रो, मजाक है क्या, लेट्स गो। चलो ये डालते हैं यहाँ पे पानी और भाई साहब की जुबानी, चलिए दोस्तों आ जाइए आ जाइए आ जाइए, लावा लावा लावा, डायमंड डायमंड डायमंड, ओ नहीं नहीं अपनी पिकैक्स से करता हूँ, फॉर्चून वाली कौन सी, यही है ना भाई, जस्ट इन केस अगर मैं गलती से भी तोड़ दूँ, भाई 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 भाई, और देखते गाइस, ठीक है पहले मैं तोड़ने वाला हूँ। हे भगवान प्लीज यार, ये खाली 2 ना हो बस यार, एक यस नीचे और है, यस नीचे और है, कितने मिले, 2 फॉर्च्यून 3 से 2 मिले भाई, क्या ही टट्टी किस्मत है यार। रुको गाइस, अब हम लोगों को ना पहले ये तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये देखो अगर हम इसको तोड़ते तो ये सीधे हमारा क्या कहते हैं आग लगा देता, तो एक काम करते पहले इसको बंद करते हैं कैसे भी, ठीक है ये हम लोगों ने बंद कर दिया, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे फॉर्च्यून 3 से, ठीक है, फिर से बदतमीजी मत करना प्लीज, क्या है यार क्या किस्मत है मेरी भाई, लास्ट में कुछ मिनट भाई, लिटरल 4 पे 4 भाई, मैंने क्यों बनाई है ये फॉर्च्यून भाई, क्यों बनाई है ये मैंने, क्यों है ये, फेंको इसको यार, कुछ काम की नहीं है ये, नाम की फॉर्च्यून 3 है भाई, ये जगह तो बड़ी कूल है यार, लेकिन है ना, ओह नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी शील्ड लाना भूल गया हूँ, अपनी शील्ड लाना भूल गया हूँ, दूर हट जा, अरे स्माइट है इसमें यार, ओपी बोलते भाई, इसमें स्माइट लगी हुई है भाई, किस्मत हमारी, ओ ओ गाइस यहाँ पर यार, यहाँ पर मिलने चाहिए प्लीज यार, भाई यार इस बार ही नहीं हगना है यार, प्लीज भाई प्लीज इस बार इतने डायमंड दे दो कि मजा ही आ जाए बिल्कुल। और भाई गाइज हमको मरना भी नहीं है, हम सर्वाइवल सीरीज में एक बार भी नहीं मरे हैं भाई, कितना कूल जगह है ये, क्या गोल्ड है क्या, गोल्ड भी लेंगे, चलो
भाई हमको नेदर जाने के लिए गोल्ड चाहिए ही होगा, वैसे बूट्स या कुछ बनाने। खैर उतना गोल्ड मेरे पास पड़ा होगा, हमें को लगा मैं खुश हो गया था, मैंने कहा डायमंड है भाई उधर। यहाँ पे हर जगह लिटरली लावा के पूल्स ही पूल्स है भाई, सिर्फ और सिर्फ लावा पूल्स है यहाँ पे। शिट यार, लेकिन फिर वही है ना, लावा पूल्स का फायदा भी यही है कि हम लोगों को जल्दी जल्दी करके सामान मिल सकता है। ओके तो हम लोग यहाँ से आए थे राइट, हम लोग यहाँ से आए थे, हमने यहाँ पर इसको लावा पूल को ऐसे किया था। ठीक है यहाँ पर पहले तो लगा देते थोड़े टॉर्चेस ताकि हम लोगों को याद रहे कि हम यहीं से आए थे। शिट भाई भाई यही गाइस यही है नई टेक्निक, मैं तो साफ बता रहा हूं तुमको, अगर तुम लोगों को डायमंड्स चाहिए जहां पर लावा पूल दिखे उसके चारों तरफ खोद दो भाई, अगर तुम्हें कहीं पे भी लावा पूल दिखे तो उसकी एजेस खोद दो भाई, खत्म भाई। भाई यही यही है भाई द न्यू मेटा बॉयज, द न्यू डायमंड मेटा गाइस। अगर डायमंड चाहिए तो भाई ये करो, अब भाई जहां पर भी डायमंड पूल दिखे, अरे यार जहां पर भी लावा पूल दिखे वहां पर उसके आसपास खोद दो भाई। भाई भगवान प्लीज इस बार मेरे साथ फ्रॉड नहीं करना प्लीज, Minecraft God, please यार मुझे, I don't do this. Yes, 14 diamonds. Yes, 17 diamond. 21 diamond, एक-एक में चार-चार मिल रहे हैं मेरे को. ओ भाई लावा ना हो नीचे. Shit. भाई 23 diamond यार दो में. Oh yes. 27 मिल गए. बन गया guys. अपना armor बन गया guys. अब हमें यहाँ से बस बाहर निकलना है कैसे भी भाई. भाई कैसे भी बाहर निकलना है और मरना नहीं है गाइस, रुको पहले फूड ले लेते थोड़ा सा। अब मैं जाने वाला हूँ सीधा ऐसा स्ट्रेट ऊपर, ठीक है हम लोग अभी कौन से लेवल पे मैं देख लेता हूँ, 23 पे हम लोग, ठीक है तो हम लोग एकदम सीधा जाने गाइस, हम लोग सीधा नहीं जाने वाले हैं गाइस। ठीक है मैं बना रहा हूँ स्टेयर्स भाई। ओ शिट भाई यार ये ग्रेवल यार, कम ऑन यार ग्रेवल, डोंट डू दिस यार, यहाँ से नहीं जा रहे हम उल्टी साइड से जा रहे हैं, पूरी ग्रेवल ही ग्रेवल है सिर्फ। ओ मैं यहीं से तो आया था। ओ ये वो तो नहीं है गाइस, हम कहीं अपने घर के पीछे तो नहीं आ गए, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं 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 इतना लंबा तो मैंने कुछ तो करा था, मैं यहाँ से बिल्ड तो किया है, देखो ये कॉबल स्टोन मैंने ही बनाया, बट ये क्या समझा नहीं मैं कुछ, रुको देखते मे बी मैं उस रवीन में भी हो सकता हूँ जो मेरे घर के पीछे रवीन है, लेट्स सी क्या होता है। नहीं 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 हम घर आ गए गाइस, गाइस हम घर आ गए, हमारे घर के पीछे वाली वो है। शिट ये तो बंद है पूरी, लेकिन अरे यार रुको इससे ना अंडरग्राउंड निकाल देते, ये हमारे ट्रेडर हॉल के जस्ट नीचे हम लोग। भाई मैं कितना कोल लाया देख रहे हो ट्रेड करने के लिए भाई, 3 stack और 13 coal अलग से भाई, ठीक है देर भी हो गाइस, निकल गए हम बाहर। हाँ भाई इसको बंद कर देते बट ठीक है, एक ऐसे बना रहा उठावा ताकि याद रहे यहाँ पर है। माऊ कल सुबह तेरे को मछली खिलाऊंगा ठीक है, चल गाइज इसका नाम बताना मत भूलना भाई दे, ठीक है चलो गाइज अपने पास हो गया कितने डायमंड, हमारे पास 11 यहाँ पर 38 हो गए। और यार अब हम लोग पहले पहले एक काम करते हैं, पहले सो जाते ठीक है, ज़्यादा भी एक्साइटमेंट में काम खराब नहीं करते। अरे यार ये देखो ठीक है, मैं करने वाला ना मैं अपना सारा का सारा स्टोन रखने वाला हूँ यहाँ पर ठीक है स्टोन। ओके मैं सारा का सारा के नाम पे कुछ भी लाऊं, मैं ग्रेवल इसलिए लाऊं ना गाइस, तुम सोचो इतनी सारी ग्रेवल क्यों लाए, बाद में हमारे काम आएगी, हम लोगों को ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा कंक्रीट बनाना है या कुछ बनाना है तो उसके लिए ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा इतना ज्यादा, तो इसलिए मैं बहुत सारा ग्रेवल अपने साथ ऐसे उठा के ले आया हूं। तो गाइस सो जाते हैं, कल सुबह करेंगे अपना मस्त ब्रेकफास्ट और उसके बाद बनाएंगे अपने लिए खतरनाक वार, यस गाइस एक खतरनाक वाला आर्मर बनाएंगे। लेकिन उससे पहले गाइस अपनी बकेट निकाल लेते हैं यार, मैं एक अच्छा लावा बकेट वहाँ पे रख दी ना। हाँ लाओ भाई लाओ लाओ दूध पिलाओ भाई, चलो भाई आओ दो और इसके साथ पीएंगे दूध। अब हमारे पास है गाइस 38 डायमंड, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। अब हमें बनानी है एक स्वॉर्ड डायमंड की, एक मिनट देखूँ क्या मेरे पास डायमंड की स्वॉर्ड पड़ी तो नहीं है, मुझे ऐसे क्यों याद आ रहा है कि मैंने एक डायमंड स्वॉर्ड बनाई है, बट ठीक है देख लेते हैं एक बार। नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं है और इसमें भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास डायमंड स्वॉर्ड नहीं है, हमें बनानी है एक डायमंड स्वॉर्ड, डायमंड एक्स और एक पूरा डायमंड का आर्मर। तो चलो शुरू करते गाइस, हम लोगों को सबसे पहले बनाना है एक डायमंड का आर्मर, तो ये बनाई हमने एक क्या कहते हैं चेस्ट प्लेट, ये बनाई लेगिंग, ये बनाए बूट्स,
और ये बनाया अपनी लास्ट चीज हेलमेट, ये हो गया। अब उसके बाद हमको चाहिए ये, और उसके बाद हमको चाहिए होगा वो, जो कि हमारे पास अभी के लिए वुड ही नहीं है। वाह गजू, सॉरी गाइस, ये करते ये करते, ठीक है ये, और या शिट, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है दोस्त। ये देखो एक एक्स्ट्रा डायमंड एग्स बन गए। चलो ठीक है, मतलब खराब तो नहीं हुआ काम, ठीक है कोई बात नहीं यार, उसकी जरूरत हमें बाद में पड़ी जाती है। अभी हमारे पास मेंडिंग वाले चाचा तो आ गए हैं वैसे, ठीक है। अब हमको चाहिए एक स्वॉर्ड, राइट, तो इसको हटाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं एक स्वॉर्ड, ठीक है। तो आप अपने पास आ गए एक डायमंड की स्वॉर्ड, एक डायमंड की एक्स और एक पूरा आर्मर। इसको हमें एनचांट करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को बहुत सारा लेवल इकट्ठा करना पड़ेगा। तो चलो भाई, लिटरली आधे घंटे से मैं एक मेंडिंग वाले चीचा बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, गलती से भी ये लैक्टर तोड़ दिया ना मैंने भाई, गलती से भी। मेरे को लिटरली एक बंदे को यहाँ पर कोने पे लेके आना पड़ा। ये देख रहे हो तुम लोग, ये भसड़ देख रहे हो, ये भसड़ भाई, ये लौंडे भाई बनाने ही नहीं दे रहे यार, धक्का मुक्की ये सब। और आखिरकार भाई इधर पे लेके आया, आधा घंटा इधर लगाया और लास्ट में ये देखो मेंडिंग वाले चीचा हाथ में आया। भाई भाई इनसे लो मेंडिंग, अब 24 का एक मेंडिंग दे रहा है ये, नॉर्मली 12 की एक मेंडिंग होती है, लेकिन क्या करे भाई, गरीबी है, गरीबी नहीं जरूरत है सॉरी, तो लेनी पड़ेगी भाई, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। साले मारूंगा ना कान के नीचे, भग जाए ऐसे। भाई एक मेंडिंग वाला मिला, भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, इतने ज्यादा घंटे लगे ना मेरे इधर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कितने घंटे लगे मेरे। लेकिन उसी के साथ साथ गाइस कुछ अच्छा भी हुआ है, जैसे कि मेरे को रेस्पिरेशन 3 वाला एक बंदा मिल गया, मेरे को स्वीपिंग एज 3 वाला एक बंदा मिल गया, और एफिशिएंसी 5 वाला बंदा मिल गया। हम लोगों को कम से कम नहीं 48 लेवल करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा तुमको पता है कहाँ पर, तो हम लोग जाते सीधे वहीं, ठीक है। तो 48 लेवल करना पड़ेगा हमको जल्दी से जल्दी, और उसके बाद हम लोग अपने सारे के सारे आर्मर को एनचांट करेंगे, फिर हम लोग उसमें एक्स्ट्रा इससे खरीद के चीज़ें लगाएंगे, वो चीज़ तो अलग है। अपना आयरन बहुत पड़ा हुआ है, वहाँ से लेके आएंगे आयरन और यहाँ पे बेचेंगे मस्त। मेरे को देखना भी था एक बार कि हमारा आयरन आर्मर, मतलब आयरन फार्म जो है वो क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ भी चलेंगे एक बार ही, देखते हैं। पहले तो जाते हैं हम लोग सीधे और अपने स्पाइडर स्पॉनर के पास, वहाँ पर जाते हैं अपनी एक्सपेक्स भी बढ़वाते हैं, ये तो गलत है ये रास्ता। चलो गाइस पहुंच गए आखिरकार, और ये रहा अपना स्पाइडर फार्म। पहले तो एक काम करते हैं, इसमें से जो बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स है वो निकाल लेते हैं। हाँ भाई आते जाओ भाई, ये पता है कभी कभी मार देते हैं, पता नहीं कैसे मारते, मेरे को पता नहीं है, बट मार देते हैं कभी, ठीक है। तो गाइस अब मैं यहाँ पर बिल्कुल सही चुपचाप बैठ जाता हूँ और यहाँ पर करता हूँ अपना 48 लेवल, जिसमें लगने वाला बहुत ज़्यादा टाइम भाई। ओके तो गाइस हो चुका है लिटरल हमको यहाँ पर आधा घंटा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कम हुआ होगा, आधा घंटा ज़्यादा बोल दिया, लेकिन हमारा 47 लेवल हो चुका है। मेरी जो बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स है वो टूट चुकी है, मेरा मन बहुत था कि मैं उसको कुछ करके सही कर दूँ, बट फिर वही था कि टाइम का सीन होता। तो चलो देखते हैं, 47 हो चुका है और आई गेस अब दे आर बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स गॉड है यार, ये कुछ भी नहीं कर पा रही, देखो उनको डैमेज ही नहीं कर रही है। बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स एक स्लाइस में मार रही थी भाई, एक स्लाइस में। तो चलो गाइस चलते हैं फटाफट से यहाँ से, निकलते हैं और जाते हैं भाई साहब कहाँ पर, लेट्स गो गाइस। अब जाते हैं वापस अपने क्या कहते हैं किंगडम पे, और वहाँ पर जाके करते हैं सारे के सारे हमारे पूरे आर्मर को, पूरी स्वॉर्ड को, और जो हमारी एक्स है उसको एन्चांट करते हैं। यार भगवान प्लीज़ यार मस्त मस्त चीज़ें दे दे। एक्स में तो मेरे को अगर एफिशिएंसी 5 ना दे के अगर इन लोगों ने शार्पनेस 5 दे दी ना भाई, मैं तो मान जाऊँगा भाई, या फिर स्वॉर्ड में दे, दोनों में से किसी में भी शार्पनेस 5 दे दो बस। ओके तो गाइज हम आ चुके हैं घर और चलते हैं फटाफट से। अरे भाई यार ये बिल्ली को खाना खिलाना भूल गया भाई, भाई इसीलिए मैं गाइज पेट नहीं पाल रहा भाई, वो बिल्ली बेचारी देख रही हो माऊ माऊ कर रही है, लेकिन उसको हम कुछ नहीं दे सकते अभी, क्यों, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है यार। हेलो बिल्लू, बिल्लू तेरी भूख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मेरा आर्मर। ओके तो चलो चलो भाई लगाते हैं इसमें हम लोग फटाफट से अपना सारा का सारा लैपेज। अनब्रेकिंग 3 भाई प्लीज़ यार प्लीज़ कुछ अच्छा दे देना, सिर्फ अनब्रेकिंग 3, वाह अनब्रेकिंग 3, ओ फायर प्रॉड भाई ये मजा आ गया, ये हमारा बहुत ज़्यादा काम आने वाला है वहाँ पर। अब फायर प्रोटेक्शन 4 फिर से, रुको एक काम करते हैं स्वॉर्ड में लगा के देखते हैं पहले, ठीक है। शार्पने अनब्रेकिंग 3, चलो ठीक है। अरे यार स्माइट को, ओ फायर एस्पेक्ट दे दे, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा थोड़ा बहुत ठीक है थोड़ा बहुत ठीक है, इसको हम बाद में अपने हिसाब से अपग्रेड करेंगे। ओ फॉर्चून 2 दे रहा है और क्या, एफिशिएंसी 4 और फॉर्चून 2, ठीक है। अनब्रेकिंग हम लोग करते कुछ तो अनब्रेकिंग करेंगे, ठीक है। पैंट्स में अनब्रेकिंग 3 और फायर प्रोटेक्शन, यार ये मेरे को इतने बकवास चीज़ें लगती है ना, मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ना डिसएन्चांट करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आर्मर आर्मर सब,
ठीक है। तो अपना देखो लेवल है 30। ओ मैंने मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही किया लेवल, चलो सही हुआ। ठीक है तो ये हो गया हमारा नया आर्मर गाइस, अभी के लिए बकवास है एकदम। देखो क्या कहता है, हेलमेट में सिर्फ अनब्रेकिंग है तो कुछ काम का नहीं है इतना खास, और यहाँ पे प्रोटेक्शन 3 है और अनब्रेकिंग 3 है तो वो थोड़ा ठीक है। और अनब्रेकिंग 3 है, फायर प्रोट 4 है, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि ये हम लोगों के बहुत काम आएगी नेदर में, लावा में गिर गए तो। और इसमें भी फायर प्रोट 3 है और क्या कहते हैं अनब्रेकिंग 3 है, तो ये भी ठीक है। मैं हेलमेट जहाँ तक है हेलमेट गोल्ड का बनाऊंगा फिर अपना जाते वक्त, ठीक है। तो गाइज ये है हमारा अभी तक का सबसे बढ़िया जो हमारा हो सकता था, मतलब ऐसा नहीं कि परफेक्ट है, एफिशिएंसी 4 और फॉर्चून 2 वाली पिकैक्स है, स्माइट 3 स्माइट 4 और क्या कहते हैं उसे फायर एस्पेक्ट 2 और अनब्रेकिंग 3 वाली वो है। लेकिन मेरे को एक्चुअली स्वर्ड में चाहिए था शार्पनेस, बट ठीक है देखते हैं क्या होता है। मैं अगर ये होता तो फिर मैं शार्पनेस अपनी पिकैक्स में मतलब एक्स में लगा दूँ, वैसे भी मेरे को एक्स से खेलना ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है थोड़ा। तो हम लोग यही करने वाले गाइस, तो अब हम लोग जाने वाले हैं नेदर पे, वो होगा लेकिन अगले एपिसोड पे, हम लोग उसमें बनाएंगे नेदर पोर्टल। वैसे कायदे से आ जाना यार एक बार ना, रुको जरा ना भाई, हक दिया था अभी और हक दिया है एक्चुअली, इसको सही करेंगे आके, ठीक है। एक बार ना मेरे को जाके देखना है कि क्या हमारा आयरन फार्म सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है यार। ओके तो गाइज हम लोग आ चुके हैं आयरन फार्म के पास। ओ यस यस काम कर रहा है यार। तो हम लोगों ने गाइज लिटरली आज एक पूरा का पूरा देखो डायमंड का अपना सेट बना लिया है, ठीक है। और हम तैयार हो चुके हैं नेदर में जाने के लिए। अगले एपिसोड में हम लोग गारंटीड नेदर का एक खतरनाक वाला पोर्टल बनाएंगे भाई, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आखिरकार जो चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी वो हम लोगों ने कर दी है भाई। गाय मेरे पास क्यों आ रही भाई, वाओ आई गेस इट्स टाइम टू एंड द एपिसोड इन अ गुड नोट। तो चलो गाइस पहले खाते हैं ढेर सारा ब्रेड। किसी बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि भाई आपने वो नहीं किया, मेरे को बहुत बुरा लगा। तो चलो भाई खाते हैं ढेर सारी ब्रेड और पीते हैं गाय का शुद्ध शुद्ध दूध। तो ठीक है गाइस, कहाँ गया पानी, क्या मेरा गिरा अभी निकला ही नहीं। ए तू क्या क्या चाह रही होगी। चलो ठीक है गाइज, आज के एपिसोड में तो लिटरली बहुत ज्यादा मजा आ गया, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा। लेकिन भूलना मत गाइज, आपको मेरे को उस कैट के लिए एक प्यार सा नाम देना है। मैं सोच रहा हूँ माऊ, लेकिन तुम लोग तब भी बताओ, अगर तुम लोगों ने कुछ अच्छा दे दिया तो तुम लोगों का नाम यूज कर लेंगे। एंड यस गाइज लाइक गोल तुमको पता है यार, 15,000 लाइक का गोल रखा हुआ है, और जिसने भी सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दो गाइज, 100K जाना है, याद है ना तुम लोगों को, भूल तो नहीं गए तुम लोग। ठीक है तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।